यहाँ कोई WWE का मुकाबला नहीं चल रहा है, यह मारपीट कोई दंगल का भी नहीं है और नहीं ये चप्पल जुताई फैजाई किसी मोहल्ले में हो रही है। यह नज़ारा है औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड मुख्यालय का, जहाँ कर्मचारी आपस में भिड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूँ अभय कुमार। जी हाँ, पंचायती राज विभाग में कैसे अधिकारियों के बीच कमीशन की राशि के लिए लड़ाई होता है, उसका यह बानगी है। मामला क्या है, इस पर हम नज़र डालते हैं। जो महिला आपको चप्पल उठा के एक पुरुष को मार रही है, उस महिला का नाम है अमिता सिन्हा, और जो पीट रहे हैं कर्मचारी वह हैं कुटुंबा प्रखंड के कार्यपालक सहायक मुन्ना दास। दोनों के बीच जमकर लत्तम मुक्का हो गया है। आखिर मामला क्या है, तो मामला यह बताई जा रही है, जो अमिता ने बताया कि पंचायती राज विभाग के कार्यालय में वह MB उस इशू कराने गई थी। उन्होंने कार्यपालक सहायक को MB इशू कराने को कहा, इस पर पैसे की मांग की गई और नहीं मिलने पर भड़क गई और वहीं पंचायत सचिव को भेजने की बात कहने लगे। हद तो तब हो गई कि जब मुन्ना दास ने अमिता का हाथ पकड़कर दुपट्टा खींचकर कमरे में छेड़छाड़ करने लगा, जैसा कि अमिता ने आरोप लगाया है। हालांकि मुन्ना कुमार से जब बात की गई तो बोला कि JEE द्वारा बगैर GEO के टैग के भुगतान करने का दबाव बनाया जा रहा था। जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो महिला JEE मारपीट करने पर उतारू हो गई और झूठा केस में फंसाने की धमकी दे दी है। JEE और कार्यपालक सहायक ने अंबा थाना पहुंचकर अपनी अपनी तरह से घटना की जानकारी दिया है, लेकिन यह पब्लिक है, सब जानती है, सबको पता है कि यह लड़ाई क्यों हुआ है। ये अंबा प्रखंड में जो यह नज़ारा दिख रहा है दंगल का, यह दंगल का असली मकसद क्या है, तो यह चर्चा यह हो रही है कि इन दोनों के बीच में कमीशन के बंटवारे को लेकर लड़ाई झगड़ा पुरानी थी और आज वह जब कमीशन के बंटवारे में थोड़ी सी इधर उधर हुआ तो मामला मारपीट तक पहुंच गया। तो पंचायती विभाग के मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय, DJ आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस पर काम होगा, हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधियों को बदनाम करते हैं, जेल उनको भेजते हैं, पहले तो अपने कर्मचारियों को समझाइए। तो दोस्तों, इसी तरह से हम ढूंढ ढूंढ तक पंचायतों से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं, लेकिन आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपसे निवेदन है भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। तो इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।